हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको महावितरण एप्लीकेशन में आप अपना आईडी कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप में आपको खाता अगर ओपन करना है तो कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। महावितरण सर्च करने पर यह एप्लीकेशन आ जाता है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का यूज इसलिए किया जाता है कि आप ऑनलाइन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो, और भी बिल ड्यू है, आने वाला बिल है, बहुत सारी जानकारी जो है नॉर्मली जनरली जो होती है वो आप पता कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हमने तो पहले अकाउंट क्रिएट करके नहीं रखा हुआ है तो हमें नया बनाना है, तो हमें साइनअप के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर हमारा अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आएंगे उसमें मैं आगे बताता हूँ। उस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में आपको कंज्यूमर नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डालना है, जो आपके जो मीटर लिया है आपने उसके ऊपर, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर होता है कंज्यूमर नंबर, जो यहाँ पर हमने डालना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि इसमें आपको OTP आएगा। उसके बाद OTP यहाँ पर हम डालेंगे, फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, नंबर डालने के बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। ओके, ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी डालिए या नहीं डालिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका लॉगिन नेम चॉइस करना होगा, आपको लॉगिन नेम बनाना है। उसके बाद में आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ऐसे ऑप्शंस भरने होते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड आपको इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा दोस्तों, मतलब जिसमें आपको कैपिटल बोर्ड स्मॉल लिपि, उसके बाद नंबर और भी जो एक दो अल्फ़ाबेट्स है वो आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, तो ये सब डिटेल मैं अपने मोबाइल में भर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं देख सकते हो मैंने कंज्यूमर नंबर डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करूँगा तो OTP मेरा रजिस्टर नंबर पर चला गया है जो मैंने यहाँ पर डाला। ठीक है, उसके ऊपर भी चला गया, दोनों सेम ही है मेरे नंबर। तो OTP आने के बाद मैं यहाँ पर OTP कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया। उसके बाद में ईमेल आईडी को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ईमेल आईडी नहीं डालूँगा। देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, लॉगिन नेम। लॉगिन नेम में हम अपना खुद का नाम डाल देंगे। उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है दोस्तों। उसके बाद में पासवर्ड और पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भर दी। उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है इस ऐप में, महावितरण ऐप में। अभी हम ऑनलाइन बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन बिल चेक कर सकते हैं, और भी पूरी जानकारी है हम अपने अपने देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए,